रिसेंटली मुझे नॉमिनेट किया गया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, जिसकी कंफर्मेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड मेडल भी पहुंच गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, और पूरे इंडिया की, पूरे कश्मीर की, जिन्होंने मुझे इस मतलब अचीवमेंट से नवाजा। इससे भी खुशी की बात मुझे कल पता चली है, जो कि मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नॉमिनेट कर दिया गया है, वहाँ से मुझे अप्रिसिएशन भी मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसी मंथ मुझे वहाँ से भी गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाली है। और इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस की, क्योंकि मुझे मतलब इतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिली, और इंशाल्लाह से मुझे मिलने वाली है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी अगर मैं अपने सफ़र, अपने जर्नी की बात करूं, तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, मैंने ड्राइंग पेंटिंग से स्टार्ट किया है, उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरा पैशन जो इसमें मतलब शौक था इसमें आने का, मेरा वो शौक बढ़ता गया ताकि मैं इसमें और आगे हो सकूं, ताकि मैं अपने कश्मीर को प्रमोट कर सकूं। उसके बाद मैंने मंडला आर्ट में अपना आर्ट अपना हुनर दिखाया, जो कि अभी कश्मीर में किसी ने नहीं बनाया था, मैंने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट शिकारा इन मंडला आर्ट बनाया, जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, और इससे मुझे ये सर्टिफिकेट मिली है, ये पेन मिला है, ये मेडल मिला है, और ये कार्ड मिला है। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बचपन से ही मुझे, कि आपको जिसमें मतलब आप अच्छे हो, ये नहीं कि पढ़ाई में आप अच्छे हो, आप पढ़ाई में जाओ। मैं अपने इसमें आर्ट में ठीक थी, तो मैं आर्ट फील्ड में आ गई। मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ, आज मेरे पास मेडल पहुँचा है, कल आपके बच्चों के पास पहुँचेगा। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको मतलब हौसला अफजाई दे, अगर वो किसी गलत काम में फंसे हैं तो उनको उस चीज़ से मतलब फोर्सफुली ना निकाले, उनको उतना प्यार दे ताकि वो उन चीज़ों से बाहर निकले। जी मेरा आगे का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है ऑयल मशीन, कश्मीर ऑयल मशीन, जिसको कश्मीरी में तिलवेंदान बोलते हैं, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वही है फ़िलहाल, और इंशाल्लाह से वो भी कंप्लीट हो जाएगा।